हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये वाला डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ तोरण के लिए। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल आसान डिजाइन है। इसके लिए 4 प्लाई ऊन यूज किए मैंने। 15 ग्राम ये वाला कलर चाहिए, 15 ग्राम ही व्हाइट कलर चाहिए, कुछ मोती चाहिए ये देखिए। और 11 नंबर क्रोशिया से ये मैंने बना के तैयार किया है। बिल्कुल आसान डिजाइन है, बहुत सुंदर डिजाइन आने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए, डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते, स्टार्टिंग करेंगे। फोर चेन लेंगे, 1 2 3 4, डबल क्रोशिया का धागा फर्स्ट वाली चेन में डाल के पफ बनाना है। इस तरह से 4 टाइम या 5 टाइम जितना हैवी बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। 2 3 4 5, ये ऊन बारीक है तो मैं 6 टाइम मैंने बनाया है। इससे हैवी भी बना सकते हैं या फिर इससे हल्का भी बना सकते हैं। बीच में एक चेन लेनी है और सेम चेन में एक पफ और बना लेंगे। 1 2 6 टाइम ही बनाएंगे। 3 4 5 6, इस तरह से 2 पफ बनाए हैं। टर्न कर लेंगे, चेन लेंगे एक स्लिप स्टिच के बाद और इस तरह से फिर पफ बनाएंगे। जो चेन ली है इसमें पफ बनाएंगे। बिल्कुल आसान सा डिजाइन बता रहे हैं। फिर चेन लेंगे, दूसरा पफ बनाएंगे। ये 6 टाइम, देखिए डिजाइन सेम आए इसलिए सेम साइज में ही बनाने हैं। बीच में तो इस तरह से तोरण पट्टी के साइज के हिसाब से आप बना के तैयार कर सकते हैं ये वाला डिजाइन। एक चेन, तो ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया। और ये साइडों में फिर 3 चेन 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बांधने के बाद डबल क्रोशिया बना लेने। बिल्कुल आसान सी तोरण पट्टी है, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है, तो मैं वो वीडियो भी उसके लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं इसके लिए डिजाइन बताने वाली हूँ कैसे हम थोड़ा अलग तरह का और आसान सा डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ये वाला डिजाइन बना रही हूँ, ये देखिए। और ये मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था यहां से। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले 7 चेन लेनी है, 7 चेन लेके 6 चेन एक्स्ट्रा लेनी है जिससे सर्कल बनाना है, और फिर ये फ्लावर तैयार करना है, फिर 7 चेन लेनी है। तो ये किस तरह से बनेगा यहां बना के दिखाती हूँ मैं। इसी तरह से मैंने ये सारे बनाए हैं और आगे भी कंटिन्यू इसी तरह से बनाने हैं। तो ये मैंने 7 चेन ली है। अब 6 चेन और लेनी है एक्स्ट्रा, और जो 7वीं चेन है उसमें डाल लेना है इस तरह से। अब हमें, क्योंकि फूल का डिजाइन रॉन्ग साइड में नहीं जाए, साफ डिजाइन अच्छी से राइट साइड में आए, तो उसके लिए हमें इस तरह से धागे को नीचे से लेके इस साइड में लाना है और एक चेन लेनी है यहां पर।
दो चेन और ले लेंगे और यहीं से फूल बनाना शुरू कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिए और तीन डबल क्रोशिए मैंने यहाँ बनाए हैं और एक ये चेन वाला हो गया, तो चार हो गए ये टोटल। और अभी फिर तीन चेन लेंगे और यहाँ बांध लेंगे। फिर तीन चेन लेनी है सेम इसी तरह से, तीन डबल क्रोशिए बीच में और फिर तीन चेन। इस तरह से पेटल्स बनानी है फूल की। फिर तीन चेन ले लेंगे, बांध लेंगे। इस तरह से टोटल पांच पेटल बनाऊंगी मैं, दो हो गई। इसी तरह से तीन और बना लेंगे। ये देखिए पांच पेटल हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए लास्ट वाला यहीं पर हमें जहाँ से स्टार्ट किया था वहां तक ही लेके आना है। तीन चेन हो गई, यहाँ बांध लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर सात चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7, 7 चेन लेके और यहाँ पर इसे जोड़ना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए इसमें चेन के हिसाब से गैप छोड़ सकते हैं या इस जितनी इसकी लेंथ रखनी है उस हिसाब से छोड़ सकते हैं। मेरे को इतनी लेंथ रखनी है तो मैंने बीच में 60 डबल क्रोशिए छोड़े हैं तोड़न पट्टी के। यहाँ पर डाल के बांध लेना है 60 डबल क्रोशिए के बाद इस तरह से। ये देखिए ये फ्लावर बन के और ये सीधी साइड में सही साइड आई है। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन मैं बना रही हूँ। फिर से सात चेन ले लेंगे, इसके बाद फिर छह चेन, सेम इसी तरह से पूरा राउंड बना के तैयार कर लेना है। पूरा डिजाइन हम इसी तरह से बनाएंगे। फाइव पेटल्स बना लेंगे इसमें भी। इसी तरह से फिर 60 डबल क्रोशिए छोड़ के फिर बांध लेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू ये राउंड बनाना है। ये देखिए मैंने जो फ्लावर तैयार किए हैं इसके, इस तरह से फिर सेकंड राउंड बताएंगे। सेम इसी तरह से बनाना है लेकिन स्टार्टिंग वाला जो ये वाला फ्लावर है यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर सात चेन और फ्लावर और सात चेन इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक राउंड ये मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए आप चाहें तो इतना तोरण भी बना सकते हैं, ये इतना डिजाइन भी बहुत सुंदर लगेगा। अब मैं आपको सेकंड राउंड बताऊंगी बना के। ये मैंने यहाँ पर धागा निकाल लिया है, फिर से सेकंड राउंड इधर से ही शुरू करेंगे और सेम इसी तरह से बनेगा जैसे ये वाला बनाया है। इस तरह से दो तीन राउंड का डिजाइन बनाने वाली हूं मैं। तो इसके बीच में डालना है हमें, दो पेटल इधर है, दो इधर और इसमें, दो डबल क्रोशिए, दो डबल क्रोशिए इसमें डाल लेंगे। सेम इसी तरह से इतनी ही चेन काउंट करके इतना ही बड़ा फ्लावर बनाना है। इस तरह से ले लिया, फिर सेम उसी तरह से धागे को इधर से इधर घुमा लेंगे। जिससे ये राइट साइड में आ जाएगा और जो डिजाइन सीधा डिजाइन राइट साइड में आई है। देखिए
दो चेन ले ली, सेम इसी तरह से पेटल बना के फ्लावर बना के तैयार कर लेते हैं। तीन डबल क्रोशिए और छह चेन, तीन इधर तीन लास्ट में, एक दो तीन और तीन इधर ली थी। तो सेम पेटल बना के तैयार कर लेनी है। इसी तरह से फिर ये बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से फ्लावर बन गए, सात चेन ले ली और नेक्स्ट वाले के बीच में ही बांधना है। सेम इसी तरह से दो पेटल साइड में, दो साइड में, बीच वाले में दो डबल क्रोशिया के बाद। फिर सात चेन लेनी है, तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जितने राउंड का तोरण बनाना चाहे बना सकते हैं लेंथ में, या दो राउंड का, तीन का, इस तरह से जितना भी आपको चाहिए बना सकते हैं। बाद में पोम पोम बोल या झालर वगैरह यूज कर सकते हैं लास्ट वाली रो में। तो इस तरह से ये मैं बना के तैयार कर लूंगी, मेरे को जितने चाहिए तोरण का डिजाइन, जितनी लेंथ में चाहिए उस हिसाब से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके तीन राउंड बनाए हैं, तीन राउंड में फ्लावर्स बना के तैयार किए हैं और लास्ट में मैंने ये फिनिशिंग की है पोम पोम बोल लगा के। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और पोम पोम बोल बनानी है, हमने चैनल पर पहले ही बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं कैसे बनानी होती है पोम पोम बोल, अलग अलग तरह की बनानी बताई, दो कलर में, ज्यादा में, कम में और इस तरह से। तो देखिए इस तरह से चार मोती में इसमें एक लटकन में यूज कर रहे हैं। आप लेंथ ज्यादा बढ़ानी है तो और भी लगा सकते हैं। और पोम पोम पोल बनाने चैनल पे जाके देख सकते हैं, वीडियो डाले हुए हैं और लिंक भी भेज दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। इस तरह से सील लेना है इनको। इस तरह से सील के और तैयार कर लेना है। बिल्कुल ही आसान तोरण डिजाइन है और बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी लटकन लगाई है और ये बन के तैयार हो गया। तो अगर आप लोगों को डिजाइन अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।